हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय टेकिंग क्लासेस पे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि आपका चैप्टर नंबर टू है। आज चैप्टर नंबर टू का नेम है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। तो हम लोग इसमें टॉपिक आप जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका है सिम्बॉल। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सिम्बॉल कितने तरह का होता है हम लोग वो जानेंगे। तो आपका सिम्बॉल देखिए, आपका फर्स्ट में आपको लेकर आए हैं लाइन। तो देखिए टाइप्स ऑफ लाइन है, और लाइन देख लीजिए यहाँ कितने तरह का होता है, और प्रत्येक लाइन का जो है आपका सिंबल इधर दिया हुआ है। तो हम लोग वो पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका सिंबल पे चलेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे ये सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है, आपका नेम ऑफ लाइन दिया हुआ है इधर, और ये इधर नेम ऑफ सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आपका, देखिए फर्स्ट में जो है आपका विजिबल लाइन है, ठीक है, विजिबल लाइन है यहाँ पे। विजिबल लाइन का देखिए आपका सिंबल दिया हुआ है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है, और इसका डायमेंशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें थिकनेस इसका दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है। तो थिकनेस कितना आपका 0.6 to 1.30 mm है, और इसका सेकेंड जो है आपका सेंट्रल लाइन है, ठीक है। सेंट्रल लाइन जो होता है आपका ये होता है 0.2 to 0.3 mm, और इसका देखिए आपका सिंबल देख लीजिए, आपका एक लाइन दें और उसके बीच में एक बिंदु देते हैं, एक लाइन दिए इसके बीच में एक बिंदु दे दिए, लाइन इसके बाद बिंदु। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, आपका बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़े होंगे सेंट्रल लाइन कैसे देते हैं। इसको देखिए एक नाम और से जानते हैं, एक्सिस लाइन, ठीक है, एक्सिस लाइन या सेंट्रल लाइन। एक है आपका देखिए थर्ड में जो आपका हिडन लाइन है, हिडन लाइन आपका देख लीजिए, आपका डॉट 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 में देते हैं ना, ऐसे डॉट 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 इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तब इसका थिकनेस देख लीजिए 0.4 to 0.5 mm तक होता है। सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन आप लोग देखते हैं आपका इसका सेक्शन कैसे होता है, कोई भी चीज़ को अगर एक सर्कल ही है तो इसको सेक्शन में जब दिखाना है कटिंग करते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं, देख लीजिए इस तरह हम लोग दिखाते हैं। यह आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सेक्शन को अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो इस तरह हम लोग दिखाते हैं। इसका जो कटिंग जो होता है ये आपका ये लाइन वो कितना होता है, 45 डिग्री का होता है कटिंग लाइन। तो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं सिंबल, तो सिंबल पे हम लोग बात करेंगे। इसका थिकनेस देख लीजिए 0.6 to 1 mm होता है। सेकेंड जो है फाइव जो है आपका ब्रेक लाइन है। तो देखिए ब्रेक लाइन दो तरह का होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन को देख लीजिए ये इस तरह सूचित करते हैं ये सिंबल से, और लॉन्ग ब्रेक लाइन को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आपका है सिक्स नंबर आपका डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन का आपको ये किस तरह हम लोग सिंबल देते हैं, देखिए एक तो इस तरह देते हैं सिंबल, और एक आप इस तरह सिंबल देते हैं। तो इसका थिकनेस देख लीजिए 0.2 to 0.3 mm होता है। सेवन में है आपका कटिंग लाइन। कटिंग लाइन क्या होता है, जब कोई भी लाइन है या बाउंड्री है तो बाउंड्री का हम लोग कटिंग करते हैं, तो कटिंग उस वो लाइन को जो डिनोट करते हैं वो कटिंग लाइन से डिनोट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कटिंग लाइन को इस तरह डिनोट करते हैं, एक लाइन देते हैं, लाइन देने के बाद जो है आपका बीच में थ्री डॉट देंगे थोड़ा छोटा छोटा का, उसके बाद बीच में फिर एक लाइन देंगे, फिर तीन डॉट देंगे बीच में, देखिए आपका फिर एक लाइन दिए बीच में एक थ्री डॉट दिए, फिर लाइन दिए डॉट डॉट दिए, इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसका थिकनेस जो होता है आपका थिकनेस होता है आपका 0.6 to 1 mm। तो हम लोग यहाँ पर इसका सिंबल बात कर लें। अब देखिए ये सिंबल जब दीजिएगा तो आप पेंसिल को तो यूज कीजिएगा ना, तो वो पेंसिल यूज कीजिएगा तो वो कौन कौन सा पेंसिल यूज कीजिएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे पेंसिल पे यहाँ पे दे दिए, देखिए यूज पेंसिल दिए हैं, यूज पेंसिल। जैसे देखिए विजिबल लाइन जब देना है तो आपको HB पेंसिल का यूज करना है, सेंटर लाइन को देना है तो आपको 2H पेंसिल को यूज करना है, हिडन लाइन को देना है तो आपको H पेंसिल का यूज करना है, सेक्शन लाइन को देना है तो आपको 2H पेंसिल को यूज करना है, फाइव नंबर में देखिए ब्रेक लाइन को जब देना है तो आपको 2H पेंसिल का यूज करना है, डायमेंशन लाइन को देना है तो HB पेंसिल का यूज करना है, कटिंग लाइन देना है तो 2H पेंसिल का यूज करना है। तो यहाँ तक हम लोग लाइन का सिंबल हम लोग जान गए। अब चलते हैं देखिए आपका मटेरियल पे, जब मटेरियल
हम लोग को बिल्डिंग जब बनाइएगा तो उसमें मटेरियल यूज कीजिएगा, मटेरियल यूज कीजिएगा तो उसका जब जैसे कि आपका बिल्डिंग में अगर ब्रिक को यूज कीजिएगा, ब्रिक मतलब ईटा, जब ब्रिक को जब हम लोग कटिंग करेंगे तो उसका सेक्शन कैसा होना चाहिए, सेक्शन क्या होता है जब कटिंग करते हैं, देख लीजिए आपका ये भी आप देख लीजिए, आपका बुक है, बुक है, जब इसको कटिंग कीजिएगा, देखिए ये तो अभी कटिंग कर किए हैं ना, कटिंग किए हैं तो देखिए ये कटिंग ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको हम लोग डिनोट करने के लिए तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ना, तो बहुत ये तो आपका जैसे आपका ये कॉपी है, अभी कॉपी को का हम लोग किस तरह सिंबल होता है वो दिखाएंगे, जैसे एक बार ब्रिक हो गया तो ब्रिक का किस तरह सिंबल होता है उस तरह दिखाएंगे, अगर ये कंक्रीट है तो कंक्रीट का कैसा सिंबल है वो सब हम लोग जानेंगे। तो इसके नेक्स्ट बता तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिंबल पे, आपका देखिए आपका डिफरेंस डिफरेंट मटेरियल इन सोइंग, देखिए आपका नेक्स्ट पे आपका है डिफरेंट मटेरियल इन सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का कैसा सिंबल होता है वो हम लोग इस पे जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं आपका इधर लिख दिए हैं, देखिए आपका इधर नेम लिखे हुए हैं सिंबल, फिर इधर नेम सिंबल, तो एक तो इधर एक लाइन में इधर है, एक लाइन में इधर है। तो हम लोग चलते हैं सिंबल पे, तो देखिए आपका नेम आपका देखिए ब्रिक का, ब्रिक एक मटेरियल है तो ब्रिक का कैसा सिंबल होगा वो हम लोग चलते हैं। देखिए ब्रिक का सिंबल देख लीजिए इस तरह होता है पीसीसी, पीसीसी का मतलब क्या होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि सीमेंट और सेंड और सीमेंट और एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है जो कि आपका स्टोन का छोटा छोटा जो पत्थर जो होता है जिसको हम लोग गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं गिट्टी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट, और सेंड को क्या बोलते हैं बालू, बालू क्या बोलते हैं इसमें टेक्निकल में सेंड, और आप सीमेंट तो जानते ही हैं। तो ये तीन आपका फोर टाइप ऑफ मटेरियल का जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कंक्रीट बोलते हैं, जैसे सीमेंट बालू गिट्टी और पानी, तीनों को जब मिक्सिंग करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा एक कंक्रीट बनेगा, जिस उसी को हम लोग कंक्रीट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब देखिए रिंग आरसीसी का क्या होता है फुल फॉर्म रिंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो ये देखिए आपका आरसीसी क्या होता है आपका कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट में आप एक सरिया डाल दीजिए, सरिया डाल दीजिए तो वो आपका क्या कौन सा हो जाएगा आपका आरसीसी हो जाएगा, समझ गए, जो कि आप लोग छत ढालते हैं ना, छत डालते हैं तो उसमें हम लोग सरिया का यूज करते हैं, तो सरिया का यूज करते हैं तो वो जो कंक्रीटिंग करते हैं वहाँ पे तो वो क्या करते हैं हम लोग आरसीसी करते हैं, या आप लोग कॉलम कोई कॉलम को जब बनाते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग पिलर बोलते हैं, तो कॉलम को जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आरसीसी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको, समझ गए, जहाँ पर जो हम भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ पर भी, तो जो हाँ अगर उसमें आप सरिया का यूज कर रहे हैं सरिया का तो वो आपका कौन सा कंक्रीटिंग हो जाएगा आरसीसी हो जाएगा, जहाँ पर अगर आप जैसे जमीन ढाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है आपका पीसीसी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंक्रीट, जो हम लोग डायरेक्ट उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पीसीसी बोलेंगे, जहाँ पर आपका सरिया का यूज कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे आरसीसी बोलेंगे। तो हम लोग ये दो हम लोग मतलब हम जान गए, उसके बाद देखिए रायमंड है आपका सोना सॉरी हीरा, तो इसका सिंबल देख लीजिए कैसा होता है आपका लाइम देख लीजिए लाइम, लाइम अब क्या होता है पता है आपको, जैसे कि आपके पुराने ज़माने में हम लोग जो घर आप लोग बिल्डिंग में जो यूज करते थे हम लोग लाइम करते थे यूज, तो उसका देख लीजिए सिंबल किस तरह होता है टिम्बर आपका देख लीजिए लकड़ी वुड, ठीक है लकड़ी का जो हम लोग सिंबल देख लीजिए इस तरह होता है आपका स्टायरप, स्टायरप क्या होता है आप लोग देखते होंगे कॉलम बनाने में जो हम लोग इस तरह देख लीजिए आपका सिंबल होता है,
देखिए आपका बीच में जो देते थे ना हम लोग, देख लिए ये, ये बीच में ये रिंग रिंग टाइप का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरैप बोलते हैं, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइरैप बोलते हैं, ये पार्ट को, ये बहुत देते हैं इसको स्टाइरैप, तो इसको किस लिए देते हैं, क्योंकि उसको चार जो आप लोग सरिया देते हैं उसको बांधने के लिए, वो बांधने के लिए क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए आपका जब उसको कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीटिंग करने के बाद जो उसमें जो आपका टेंशन आता है, टेंशन को रिमूव करने के लिए इसको देते हैं। और जो है आपका ये, इसका ये देने का मतलब क्या होता है, ये आपका जो आपका ये रिइंफोर्समेंट होता है, ये आपका टेंशन को रिमूव करता है, और कंक्रीट क्या करता है, वो कंप्रेशन को रिमूव करता है, सॉरी कंप्रेशन को झेलता है, और ये रिइंफोर्समेंट ये क्या करता है आपको, ये टेंशन को झेल लेता है, जैसे इसमें टेंशन आने वाला है तो टेंशन को ये ले लेगा आपका सरिया ले लेगा, और कंप्रेशन को क्या कौन ले लेगा आपका कंक्रीट ले लेगा, कंक्रीट इसमें देते हैं ना कंक्रीट, तो ये कंक्रीट को कंक्रीट क्या करता है आपका, जो भी कंप्रेशन वाला लोड जो आएगा, लोड आएगा तो वो आपका कौन ले लेगा आपका कंक्रीट ले लेगा, और इसमें जैसे कि आपका एयर के कारण क्या होगा प्रेशर जाएगा, प्रेशर जाने के कारण क्या होगा आपका उस ये मेंबर पे टेंशन आएगा, टेंशन को कौन झेलेगा आपका ये सरिया झेल लेगा, समझ गए, तो हम लोग ये यहाँ तो इस पर हम लोग बात कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका स्टाइरैप तो हो गया इधर, अब तो हम लोग जान गए, अब चलते हैं हम लोग के यहाँ पे सेंड फिलिंग पे। देखिए सेंड फिलिंग क्या होता है कि आप घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले हम लोग जमीन से क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी डालते हैं, तो कुर्सी डालते हैं तो उसमें बहुत ऊंचा हो जाता है, तो ऊंचा होने के बाद क्या होता है कि आप वो तो खाली तो नहीं छोड़ दीजिएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें मिट्टी को फिल करते हैं, मिट्टी को जब फिल करते हैं, मिट्टी या आप कोई भी आप छाई ले लीजिए या तो आप बालू ले लीजिए जो कि आपका बहुत फाइन ग्रेन का आता है आपका बालू या सेंड, उसको आप फिल कर सकते हैं, तो देखिए आप वही आप जो मिट्टी फिल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंड फिलिंग, तो आपका सेंड फिलिंग का आपका देख लीजिए सिंबल किस तरह होता है, आपको इसी तरह देना है आपका नेक्स्ट जो आपका है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का आप लोग सिंबल देख लीजिए किस तरह होता है, एक लाइन दे दीजिए, देख लीजिए आपका सिंबल किस तरह, एक लाइन दीजिए और आप इस तरह दो कट्टम कुट्टी कर दीजिए, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल का सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग क्या होता है आपका, जो नीचे का जो जमीन जो आप फिनिशिंग करते हैं ना, जैसे कि आप कंक्रीटिंग करके या आप कंक्रीटिंग करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, कोई होता है कि आप सीमेंट का कोई एक लिक्विड बना करके ऊपर में आप पन्ना चढ़ा देते हैं, तो वो एक तो वो हो गया, और क्या करते हैं एक दूसरा जो आप करते हैं कंक्रीटिंग करने के बाद जो है आप टाइल्स लगाते हैं, वो तो दो तरह हो गया आपका फ्लोर फिनिशिंग, तो हम इसी कारण यहाँ पर दो तरह का यहाँ पे सिंबल दिए हैं, तो ये आपका जो है आप जो आप सीमेंट का जो आप लिक्विड बनाकर नीचे में जो आप पन्ना मारते हैं तो वो आपका ये फ्लोर फिनिशिंग दिए आपका पूरा, और ये जो आपका दिए हैं फ्लोर फिनिशिंग ये आपका टाइल्स का दिए हैं, टाइल्स जो आप ऊपर जमीन पर जो लगाते हैं तो वो आपका यहाँ पे सिंबल दिए हैं, ये आपका ग्लास का दिए हैं, ग्लास का सिंबल देखिए आपका ग्लास का सिंबल दो तरह का होता है, एक तो इस तरह होता है, एक बॉक्स बना दीजिए और एक देखिए आपका बीच में बढ़ा दीजिए और इधर छोटा छोटा दे दीजिए, तो ये भी एक होता है इसका ग्लास का सिंबल, ठीक है, तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट सिंबल दिया हुआ है, तो हम लोग को जो पढ़ना है आप लोग जैसे कि आपका ज़्यादा प्रीफर जो करता है आपका ये वाला सिंबल प्रीफर करता है, ये कम करता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो आपका है प्लास्टर, प्लास्टर जो आप वॉल में करते हैं दीवार में, तो वो आपका सिंबल जो है यहाँ पे देख लीजिए किस तरह है, प्लास्टर आप जानते हैं, आप बच्चे से जानते हैं, अब देखिए आपका वाटर टेबल देखिए आपका कैसा सिंबल है, यहाँ पे एक लाइन दीजिए और एक देखिए ट्रायंगल की तरह बना दीजिए, और नीचे ये नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ये तो वाटर को हम लोग दिखाए हैं, ये
वाटर दिखाएं, ये जो आपका सिंबल होता है ये क्या चीज का होता है सिंबल? वाटर का सिंबल होता है, वाटर टेबल का। नेक्स्ट आपका है मोटार। मोटार क्या होता है? मोटार क्या होता है? जब आप वाल जोड़ते हैं, वाल का जब आप जोड़ाई करते हैं, देखिए आप वाल का जब जोड़ाई करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट बालू और वाटर का मिक्सिंग करके एक मसाला बनाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोटार। समझ गए जनरली भाषा में आप लोग? ऐसे ही देखिए आपका मोटार को समझने के लिए आप अगर गांव में बोल दीजिए मोटार तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो आप लोग वहाँ क्या बोलते हैं, मसाला दीजिए भाई, अब मसाला कम हो गया है। तो ये हम लोग वहाँ पर भाषा का यूज करते हैं। यहाँ आ रहा है ये, तो हम लोग यहाँ पे सिंबल तो यहाँ तक हम लोग जान गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है वो आप लोग देखना ना भूलिएगा, वो आपका जो है सीट प्लानिंग पे हम लोग बात करेंगे। सीट आपका जो है, आप सीट में क्या क्या यूज कीजिएगा उसमें, जैसे कि आपका टाइटल बॉक्स हो गया आपका, उसमें सीट में सीट का प्लानिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर इस वीडियो को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।